यो का सामान छोड़ के बाकी अपना सामान पूरा पैक है। टाइम हो गया सुबह के 4 और हम लोग रेडी हैं अपने नेक्स्ट ट्रिप के लिए जो कि होने वाली है एक वीकेंड गेटअप है। सो आज की जर्नी हमारी होने वाली है गुड़गांव वो दिल्ली से कसौली तक। टोटल किलोमीटर हैं अपने भाई 320। फाइनली हम लोग कसौली पहुंच गए हैं। एक बार माहौल देख लो यार, कुछ ऐसा है, पूरे के पूरे बादल हैं यार अपने पीछे और टेम्परेचर हो रहा है यहाँ पे अभी सिर्फ 23 डिग्री। गुड़गांव में आई गेस था जब हम निकले थे 29 डिग्री था। व्यू काफ़ी अच्छा है, बहुत पीसफुल जगह है, अभी पूरा ऐसा क्लाउड से घिरा हुआ है तो काफ़ी सुंदर अच्छा लग रहा है। अब बात करते हैं अपनी प्रॉपर्टी की। तो हमारी प्रॉपर्टी का जो नाम है वो है वुडस्टॉक। इनके दो वेरिएंट है, एक वुडस्टॉक नॉर्मल वाला और एक है वुडस्टॉक लग्जरी। आई गेस वहाँ पे है इनकी प्रॉपर्टी जो कि नहीं बनी है। तो प्राइसिंग की बात करें तो 3000 रुपये का एक रूम पड़ा है। रूम इज़ गुड, नीचे जाके अभी रूम भी दिखाता हूँ। पार्किंग का काफ़ी अच्छा स्पेस है, एक पार्किंग इनकी वहाँ पर है आई गेस पीछे आपको दिख रहा होगा और एक पार्किंग बिल्कुल रिसेप्शन के बाहर। आई गेस 3 या 4 गाड़ी खड़ी हो जाएगी तो आपकी गाड़ी भी सेफली पार्क हो जाएगी यहाँ पर। सो ये प्रॉपर्टी का भाई एंट्री है, ये इधर रिसेप्शन है, यहाँ अपनी गाड़ी बिल्कुल सेफली पार्क है। सबसे मेन चीज कसौली की मॉल रोड। मॉल रोड के लिए बहुत सारा ट्रैफिक है भाई, पूरा लंबी लाइन। अपनी गाड़ी से आ रहे हो भाई तो आपको 130 रुपीज यहाँ पे पार्किंग देनी पड़ेगी मॉल रोड से जस्ट पहले। बहुत सुंदर आ रहे हैं भाई, जेन्युइनली बादल इतने ज्यादा नीचे है ना, इतना सही फील आ रही है, एकदम पूरा ऐसा ग्रीनरी और एकदम क्लाउड्स नीचे है, रियली अमेजिंग भाई। और ये आई गेस यहाँ से मॉल रोड भी स्टार्ट होगी है। सर हम लोग आए हैं अभी वंग्या तिब्बतन किचन, राइट? तो यार इसके बारे में हमने सुना था काफी वैसे कि यहाँ के मोमोज और सिड्डू वगैरह बहुत अच्छा है, तो अभी हमने ऑर्डर किया है एक वेज सिड्डू और अपना वेज मोमोज, तो खाते हैं टेस्ट बताते हैं कि कैसा है, कि हाँ जो हमने सुना था वो वर्थ इट भी है या नहीं है। तो वेज मोमोज ऑर्डर करे हैं हमने, इसका प्राइस है 120, साइज तो काफ़ी ठीक है, खा के बताते हैं टेस्ट कैसा है। फीलिंग काफ़ी अच्छी है, दिल्ली से कंपेयर नहीं कर सकते लेकिन फीलिंग यहाँ की पहाड़ों के हिसाब से बहुत अच्छी है। सो नेक्स्ट वी आर ट्राइंग सिड्डू, इसका प्राइस है 160 रुपीज। लेयर बहुत पतली है, फीलिंग बहुत अच्छी है। नॉर्मली जहाँ हम सिड्डू ऑर्डर करते हैं या खाते हैं तो उनकी ना लेयर बहुत ज्यादा मोटी होती है और फीलिंग इतनी अच्छी नहीं होती। इनकी फीलिंग देख रहे हो आप, मतलब पूरा भरा हुआ है और लेयर बिल्कुल पतली, तो ये चीज अच्छी है और टेस्ट वाइज भी इट्स गुड। चल मैं यहाँ से शुरू होते हैं आपकी कसौली मॉल रोड, मतलब जो मेन मार्केट है यहाँ पे आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। इट इज अ हेरिटेज मार्केट एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे फेमस खाने के लिए, जिसमें से ये भी है मॉम्स किचन। गाइस वी आर फाइनली एट नरेंद्र स्वीट्स, यहाँ की बहुत फेमस शॉप है और किस लिए फेमस है, यहाँ का बन समोसा बहुत फेमस और यहाँ पे जलेबी भी है, तो हम वो भी ऑर्डर करेंगे, खाएंगे और टेस्ट बताएंगे कैसा है। अंकल जी 2 बन समोसा और 1 जलेबी। जलेबी का नंबर यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, खाते हैं बराबर, टेस्ट करते हैं कैसा है। ऑथेंटिक समोसा,
स्पाइसी नहीं है, सही है। और साथ में ये रेड और ग्रीन कलर की चटनी, भाई अमेजिंग, समथिंग डिफरेंट। और एक बन समोसा का प्राइस है 50 रुपये। एंड एक चीज़ और, समोसे के साथ साथ इसमें वाइट चने भी हैं, तो उसकी फिलिंग भी है भाई। नेक्स्ट डिश है अपनी वाइट जलेबी, और आई गेस ये हर किसी की फेवरेट होती है। इसका प्राइस मिला अपने को 70 रुपीज़ 250 ग्राम। बिल्कुल एप्ट मीट है भाई, मतलब मज़ा आ गया खा के, जैसे अपने वहाँ गुड़गांव में सरदार जलेबी है ना, सेम टेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कसौली कैफे इन हिल्स। तो यहाँ के भी मोमोज बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ये मोमोज हमने ऑर्डर करें कैफे कसौली इन हिल्स से। थोड़ी सी लेयर इसकी मोटी, लेकिन अंदर की जो स्टफिंग है ना, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट तिब्बतन कैफे, तिब्बतन किचन। स्टफिंग मुझे पर्सनली अच्छी लगी, पत्ता गोभी है, हल्की हल्की गाजर है, और छोटे छोटे पीसेस पनीर के हैं। हाँ, चिली सॉस का टेक्सचर भी बहुत अच्छा है, कलर एकदम ऐसा रेड मिलेगा, लेकिन आपको मिर्च वाला वो नहीं आएगा, फील नहीं आएगा, तो इट्स गुड, मेरी तरफ से रेकमेंडेड है। तो भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा सबका आज का? अमेजिंग, बहुत बढ़िया, मज़ा आया। वीकेंड स्टेकेशन जिनको रिलैक्सिंग ट्रिप चाहिए और अपना वर्कलोड से थोड़ा चाहते हैं कि माइंड को रिलैक्स मिले, तो मस्त आ सकते हैं, रिकमेंड यहाँ पर आना चाहिए, एंजॉय करो, टू डेज अपना लगा कर। ठीक है, और सबसे मेन की खाना अच्छा है, जो जो जगह पर हम गए भाई, सब जगह खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, मज़ा आया। और जो जो हमने अपनी R&D करी थी जगहों की, कि हाँ ये जगह अच्छी है, नॉर्मल ऐसा होता है कि यार जगह ना बहुत ज़्यादा हाइप कर देते हैं लोग, लेकिन जितनी ज़्यादा हाइप थी उतना अच्छा टेस्ट भी था। ठीक है, तो आज का दिन यार यहीं पे एंड करते हैं, बहुत सही दिन रहा हमारा। ठीक है, बाकी कल मिलते हैं अपने और एडवेंचर के साथ। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कसौली। आज हमारा Day 2, और हम लोग ब्रेकफास्ट ढूंढ रहे थे कि हम कहाँ पर खाएं। तो कल कसौली की मॉल रोड जाते हुए हमें एक दिखा था कैफे, तो भाई हमने ऐसी रैंडम, मतलब ये कहीं हमने ब्लॉग में या किसी के इंस्टाग्राम पे नहीं देखा, हम ऐसी रैंडम रुक गए थे कि हाँ लोकल ढाबा टाइप से है, इसका खाना मंगाया भाई, मतलब ऐसा मस्त मज़ा आ गया। प्रॉपर आटे के आलू परांठे, पनीर परांठा, और टेस्ट भाई जैसा हमें मिलता है अपने घर का, मतलब मम्मी के हाथ वाला टाइप्स। और ये भाई मोमोज जो हमने कल तिब्बतन किचन और एक और जगह का खाया था, मैंने कहा भाई वो भी फेल है। डे मंगवाया हमने भाई खीरो टमाटर के सैंडविच तवे पे सिके हुए, ये भाई ये भी खा के मैं बताता हूँ टेस्ट, इसको मैं चिली सॉस के साथ ही खाऊंगा। इसमें इन्होंने पनीर की फिलिंग भी करी है खीरो टमाटर के साथ, सब बढ़िया यार। मॉल रोड की साइड जाओ, यहाँ रुक के खाना जरूर। शहर आज 5.5 किलोमीटर कवर करने में हमें पूरे के पूरे 2.5 से 3 घंटे लग गए, लेकिन फाइनली हम लोग मॉल रोड पे वापस पहुंच गए सिर्फ एक कैफ़े के लिए, जिसका नाम है दोची कैफ़े। और ये कैफ़े फेमस है अपने पिज़्ज़ा के लिए, कुछ ऐसा फायरवुड पिज़्ज़ा ये लोग देते हैं, मतलब ऐसा पूरा लकड़ जला के और ओवन में डाल के, इस तरीके का। अंदर चलते हैं, एक बार दिखाते हैं। तो ये आ गया भाई हमारी डिश, इट्स नॉट अ पिज़्ज़ा, ये गार्लिक ब्रेड है। तो यहाँ की गार्लिक ब्रेड कुछ ऐसी है, मतलब कि बेस इसका गार्लिक वाला है ना, और है ये बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह। तो भाई देखने में तो बहुत टेम्पटिंग सा लग रहा है, अभी खा के देखते हैं। सो नेक्स्ट प्लेस हमारी है लिस्ट में, वो है क्राइस्ट चर्च। ये आपको मॉल रोड पर मिल जाएगा, मेरे पीछे का व्यू आप देख सकते हैं। इस समय व्यू अच्छे से नहीं दिखेगा बिकॉज क्लाउड्स बहुत ज़्यादा हैं। बाकी अंदर चलते हैं, ठीक है। और इसकी, हाँ, इसकी कोई एंट्री फीस वगैरह नहीं है, सुबह 10 बजे गर्मियों में खुल जाता है, और सर्दियों में सुबह 10:30 बजे। ऐसा रास्ता होगा वैसे यार उम्मीद नहीं करी थी, कि वाला गांव जो पड़ता है उसका नाम है दोची कुछ ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पर है हमारा अमीगोस कैफे, प्रॉपर इटालियन लेबनीज फूड मिलता है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा रेकमेंडेड था। तो आए हैं, एक बार अंदर चलते हैं, और जो इंटीरियर है वो भी बहुत सुंदर है, तो अंदर चलते हैं, ऑर्डर करते हैं कुछ अच्छा सा खाने का, ये हमारा डिनर होगा आज का, ठीक है, और बता देंगे खाना कैसा है। Hey guys.
गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कसौली। अभी का टाइम हो गया सुबह के 9 और हम लोग जा रहे हैं गिलबर्ट ट्रेल के हाइक के लिए। वैसे तो हमने कल जाना था बट कल बारिश बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से अपना प्लान ड्रॉप हो गया। अब आज भाई आप पीछे देख सकते हो पूरी की पूरी धूप है, जो भी बहुत अच्छा आएगा। गिलबर्ट ट्रेल के टॉप से ना यार पूरा चंडीगढ़ भी दिखता है और चंडीगढ़ की सुखना लेक भी दिखती है। तो बस अब यार जल्दी से निकलते हैं, अपनी गाड़ी उठाते हैं, सीधा जाते हैं कसौल मॉल रोड की पार्किंग में। वहाँ से अपने को टैक्सी मिलेगी आई गेस 500 या 600 रुपये की। एक बार फिर से हम लोग मॉल रोड आ गए भाई, और 800 से 15 मिनट लगे हमें आने में। बिल्कुल खाली है कसौली इस टाइम पे, कोई ट्रैफिक नहीं है। और ये मेरे पीछे आपको पार्किंग दिख जाएगा, यहीं से आपको टैक्सी मिल जाएगी 500 रुपये में आना जाना। टोटल जो रास्ता है वो 3-3.5 किलोमीटर का है, 400-500 मीटर आपको चलना है बस। छोड़ दिया इस पॉइंट पे, यहाँ से हमें पैदल ऊपर तक चढ़ के जाना है। और ऊपर है आपका सुसाइड पॉइंट, लवर्स पॉइंट, पूरा चंडीगढ़ का जो है व्यू दिखेगा। गिलबर्ट ट्रेल की हाइक को वैसे नेचर वॉक भी बोलते हैं, क्योंकि अभी आगे जाके ना बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स वाली एक वैली आएगी, तो भी काफ़ी सुंदर है देखने में। ये जगह थोड़ी और ज़्यादा अच्छी इसलिए लग रही है, ये पूरा का पूरा आर्मी एरिया है। आपको हर तरफ इंडियन आर्मी के पोस्टर्स और जिन जिन सोल्जर्स ने कारगिल में लड़ाई करी थी है ना, और जो शहीद हो चुके हैं उनके भी पोस्टर्स पूरे डिटेल के साथ कि किस मतलब ईयर में उन्होंने फाइट किया, किस ऑपरेशन में वो थे, ठीक है, क्या रोल था उनका। तो आपको ऐसे अलग अलग से पोस्टर्स मिल जाएंगे इस इंफॉर्मेशन के साथ। सो दिस इज गिलबर्ट ट्रेल। हमारा फिर से व्यू पूरा छुप गया यार, सारे क्लाउड्स आ गए और सब कुछ छुप गया, नहीं तो यहाँ से हमें पूरा चंडीगढ़ और सुखना लेक वगैरह ये सब दिखता। अपनी किस्मत में क्लाउड्स ही हैं भाई, फिर से क्लाउड्स आ गए। सो गिलबर्ट ट्रेल का हो गया, कुछ अच्छे मोमेंट्स कैप्चर करके यहाँ से हम वापस जा रहे हैं सनसेट पॉइंट की तरफ। यहाँ से हम लोग आए थे, ये आपका गिलबर्ट ट्रेल का रास्ता है, और गिलबर्ट ट्रेल से उतरते हुए लेफ्ट मुड़ोगे इस रोड पर तो सनसेट पॉइंट है। वी हैव रीच सनसेट पॉइंट। ज़्यादा दूर नहीं था गिलबर्ट ट्रेल से, सिर्फ 500 मीटर, और वो भी पूरा ऐसा रोड का ही रास्ता है, मतलब प्रॉपर प्यारी सी रोड। ठीक है, यहाँ पे थोड़े थोड़े ऐसा झूले भी लग रहे हैं। अब जब हम गिलबर्ट ट्रेल से नीचे उतरे और सनसेट पॉइंट से वापसी आए, ठीक है, तो धूप आ गई है, पर धीरे धीरे करके अब क्लाउड्स वापस ऐसा रोड पे आ रहे हैं, छट रहे हैं। तो दिस इज़ इट फॉर द कसौली ट्रिप। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना, हर बार की तरह लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं इसी तरीके से अपने नेक्स्ट ट्रैवल ब्लॉग में या बाइक ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।